लड़ी नंबर 58, फिर भी खुश ना हुआ। डॉक्टर मैड्रिड बॉस एक स्विस मनोचिकित्सक सन। वो हिंदुस्तान आए एक खोज करन के गरीबी दा मानसिक सेहत ते की असर हुंदा है। मैं उदों दिल्ली विच सां, मैनू मेरे हस्पताल आ मिले, कहन लगे मैं एक विज्ञानक खोज दा प्रोजैक्ट लैके आया हाँ। तद उन्हां उसका मनोरथ दस्या अते ए वी के किस विज्ञानिक व्यौंत नाल वो रिसर्च करना चाहते हैं। फिर मैनू कहन लगे कल मैं एक खोज आरंभ करनी चाहता हाँ। जेकर कल सवेरे तुसी मैनू अपने किसी बंदे नाल किसी माड़ी बस्ती जा चंगड़ महल्ले विच भिजवा सको ते एक दुभाषिए का भी बंदोबस्त करवा दिओ ता मैं धन्नवादी होवांगा। मैं ये इंतजाम करवा देन दा आश्वासन दिता। वो धन्नवाद करके चले गए। अगले दिन कोई 10-10:30 बजे दे करीब वो मेरे दिते बंदे नाल एक माड़ी जिही बस्ती विच जा पहुँचे। पर बस्ती दे लोकी कम्मां ते जा चुके सन, सो बस्ती खाली खाली लगती सी। कुछ बुढ़े मंजियां ते बैठे धुप सेक रहे सन ते कुछ बच्चे गुल्ली डंडा खेड रहे सन। उस नूं दस्या गया कि इस बस्ती दे बहुते लोकी कम ते गए हुए हन, तकाला मगरों ही परतणगे। सो उसने उत्थे हनेरा पए मुड़ परतण दा इरादा बना लिया। चलण तो पहला ओ एक झुग्गी अगे खलो गए ते धुप्पे बैठी एक बुढ़ी नूं पुछया, ये जो सामने झुग्गी है तेरी है? उसने कहा मेरी तो नहीं, क्यों की गल है? मैं इस दे जीयां नूं मिलना चाहांगा। की शाम नूं सब आ जाणगे? उसने पुछया। बुढ़ी ने हाँ विच उत्तर दिता। इस विच कितने जने रहिंदे हन? उसने बुढ़ी नूं पुछया। 7 जां 8, मैनू ठीक पता नहीं। डॉक्टर बोस ने सोचिया ए झुग्गी तां मेरे गुसलखाने तों वी छोटी है, इस विच 8 बंदे रहिंदे हन, ये तो जिंदगी नाल बहुत नाराज़ होंगे। रात पई तां वह मुड़ उत्थे चला आया। जो उसने देखिया उसने मैनू अगले दिन दस्या। कहन लगा मैं उत्थे वेख्या झुग्गी दे विचकार एक बुढ़ी औरत बैठी सी ते 3 बच्चे उस दे पास सन, एक सज्जे पासे, एक उहदे खब्बे पासे ते एक गोदी विच। वो उन्हां नूं गालबान कहानियां सुना रही सी। बच्चे भी ते बुढ़ी भी झट झट बाद हस पैंदे सन। एक पासे वल एक जवान मुटियार रोटी पका रही सी ते 2 नौजवान आदमी उस दे अग्गे बैठे रोटी खा रहे सन। तिन्ने गल्लां गप्पां मार रहे सन ते हस रहे सन। एक कोने विच एक बुढ़ा आदमी हुक्का पी रहा सी ते एक बच्चा उसनू चलम फड़ा रहा सी। बुढ़े ने बच्चे दा हाथ फड़ के चुम लिया ते बच्चे ने मुस्करा के बुढ़े दे पैरां नूं हाथ लाया। उस झुग्गे विच तां सारे जी खुश सन, एडे हसू हसू करदे चेहरे मैं तां अपने देश दे शहर विच किते नहीं वेखे। मैनू यकीन हो गया है डॉक्टर ने की के खुशी ते मानसिक सेहत उपर गरीबी दा कोई प्रभाव नहीं हुंदा। तुसी खुशकिस्मत हो जो ऐसे देश विच रहिंदे हो जिथे गरीबी दे बावजूद लोकां दे मत्थे खिड़े मिलदे हन। अगले दिन अपने दुभाषिए नाल किसी पास निकल गए। इत्थे सड़क बन रही सी, उत्थे एक मजदूर हथौड़े नाल पत्थर तोड़ रहा सी। उन्हां दुभाषिए नूं कहा इस नूं पुछो कि की ये आदमी अपनी जिंदगी नाल खुश है? उसने पुछया तां उत्तर मिलिया हाँ बड़ा खुश हाँ। फिर पुछया तेनू मेहनताना कितना मिलता है? कहन लगा 2 वेले दी रोटी चल जांदी है। फिर पुछया राती सौंदे किथे हो? कहन लगा इत्थे ही सड़क दे किनारे पै जाईदा है, कोई गोल पत्थर सिर थले रख लईदा है, भुख भी चंगी लगती है, नींद भी चंगी आउंदी है, काम भी मिलिया होया, फिर भी खुश ना होवां तां बेवकूफ होवांगा।
मैड्रिड ने अपनी रिसर्च तलांज दिती। धन्यवाद आतम परगास।